कॉम में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक ट्रिक शेयर करने वाली हूँ जो अक्सर होटल में या जो आचारी लोग होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। कम ऑयल में भी हम ये सब्जी चटकदार बना सकते हैं। बहुत ही कम ऑयल में ये सब्जी बनाई है, देखिए। तो हम ये ट्रिक आजमा के हमारी सब्जी का लुक भी देखिए बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। देखिए कितनी टेस्टी लग रही है ये सब्जी, और बहुत ही कम ऑयल में हमने ये सब्जी बनाई है। बस 2 चम्मच मैंने ऑयल इस्तेमाल किया है। जो कम ऑयल खाना पसंद करते हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, जिससे हमारी सब्जी भी अच्छी लगे और कम भी ऑयल इस्तेमाल हो जाए। तो चलिए ये ट्रिक हम देखते हैं। एक बार मैंने शेफ को बनाते समय देखा था ये सब्जी, तो मैं वही ट्रिक आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सब्जी बनाते समय जो ऑयल हम उड़ जाता है सब्जी का, तो उसके लिए मैं आपके साथ ट्रिक शेयर करने वाली हूँ। ये सब्जी कैसे बनानी है इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी है, तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ये अभी अभी मेरे ध्यान में आया, तो मैं जस्ट अभी बना रही थी सब्जी, तो मैंने सोचा कि ये ट्रिक मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। देखिए ये गर्म पानी मैंने सब्जी के ऊपर रखा था, तो मैं अभी ये गर्म पानी इसमें डाल लेती हूँ। मैंने हमेशा ये ट्रिक शेयर की है कि आप हमेशा इस तरह थाली का यूज कीजिए जब भी आप सब्जी पकाते हैं। तो और गैस की फ्लेम भी हमें बहुत लो रखनी है। अभी इसके ऊपर मैं फिर से थाली रख देती हूँ और इसके ऊपर मैं फिर से पानी गर्म करने के लिए रख देती हूँ, जिससे हमारा पानी भी गर्म हो जाएगा और हमारी सब्जी भी लो फ्लेम पे पकने लगेगी। तो चलिए मैं अभी इस पे पानी डाल देती हूँ। चलिए हमारे पानी में अभी उबाल आया है, तो मैं अभी ये पानी भी इसमें डाल देती हूँ सब्जी में। अगर आप सब्जी में थोड़ा ग्रेवी पसंद करते हैं तो उसके लिए ये ट्रिक है। हमें थोड़ी गाढ़ी सब्जी चाहिए, तो हम इसके लिए ये ट्रिक आजमाने वाले हैं। देखिए सब्जी हमारी थोड़ी सी भी पक गई है। अब देखिए इसके ऊपर जो ऑयल आया है उसे हम निकाल लेते हैं। ग्रेवी लाने के लिए जब हम इसमें मूंगफली पीस के डालते हैं तो पूरा ऑयल उसमें से उड़ जाता है, तो उसके लिए ये ट्रिक है। ऑयल भी बिल्कुल नहीं उड़ेगा और सब्जी भी अच्छी लगती है ना, थोड़ा सा ऑयल ऊपर हो। बहुत सारे लोग होते हैं जो ऑयल ज्यादा खाना पसंद नहीं करते, तो कम ऑयल में हम ये सब्जी बना सकते हैं। तो इस तरह से हमें पूरी तरह से ऑयल निकाल लेना है। मैं हमेशा ये ट्रिक आजमाती हूँ, तो मैं अभी आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। और हमारी सब्जी का जो लुक है वो भी बहुत अच्छा आ जाता है। मतलब सब्जी का पहले तो प्रेजेंटेशन ही बहुत हमारा इम्पोर्टेंट होता है। सब्जी अच्छी दिखनी चाहिए, तभी तो हमारा खाने का मन होता है। देखिए ये ऑयल मैंने पूरी तरह से निकाल लिया है। अभी मैं इसमें डाल देती हूँ ये मूंगफली, पिसी हुई मूंगफली है ये। ये सब्जी में आपको ये सब्जी पीली लग रही होगी, तो ये है हमारे महाराष्ट्र में इसे खारवांग बोलते हैं। मैंने 5 चम्मच देखिए ये डाल दिया है मूंगफली पीस के। अब हम इसे मिला लेते हैं। जब हम मूंगफली मिलाते हैं तो पूरा ऑयल उड़ जाता है, तो इसमें हम हरी मिर्च का इस्तेमाल करते हैं, लाल मिर्च नहीं इस्तेमाल करते हैं, और इसका अलग फ्लेवर आ जाता है। और पीसी हुई मूंगफली जिसे हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं और बाद में पीस के उसे इसमें डाल देते हैं, तो इसका फ्लेवर और बढ़ जाता है। मैं इसमें थोड़ा सा नारियल भी डाल देती हूँ, नारियल का बुरादा। जब भी मैं इसको बनाती हूँ सब्जी को, तो तभी मैंने उसमें ऐड किया था। अब थोड़ा सा मैं इसमें ये 2 चम्मच चने का आटा भी मैं इसमें डाल देती हूँ, जिससे हमारी ये सब्जी की ग्रेवी ज्यादा ठीक बनेगी। देखिए अब इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। ये हमारी सब्जी गाढ़ी होना शुरू हो गया, देखिए ठीक हो रही है। और इसमें हल्दी मिलाया जाता है टेस्ट के लिए, और थोड़ा सा नमक ज्यादा होता है इसमें, तो ये खारवांग बन जाता है।
यानी नमकीन बैंगन। आपको पसंद है तो आप इसमें थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। देखिए मुझे ये ऐसा ही फ्लेवर इसका अच्छा लगता है। बस हम इसे इसमें अदरक लहसुन टमाटर डाल देते हैं और हमारा जो हमेशा का तड़का होता है उसी तरह हम इसे तड़का लगा देते हैं। तड़का लगाते हैं तभी इसमें थोड़ा सा 2 चम्मच हम नारियल का बुरादा, आप ताजा नारियल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका भी फ्लेवर काफी अच्छा आता है। अगर ताजा नारियल नहीं है तो आप नारियल का बुरादा जो हम रखते हैं घर में तो उसे रख देते हैं। मैं इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही रख देती हूँ। थोड़ी सब्जी हमारी ये पक जाएगी तो बाद में लास्टली हम ये ऑयल जो हमने निकाला है उसे हम इसमें ऐड कर देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, अब मैं ओपन करती हूँ। ये हमारी पक गई है और आप देख सकते हैं, देखिए कितना ठीक हो गया है। देखिए इसका ऑयल हमने पूरी तरह से निकाल लिया है सब्जी का, ऑयल इसमें बिल्कुल नहीं है। अगर कोई विदाउट ऑयल खाना चाहते हैं तो उनके लिए आप ऐसे भी सब्जी सर्व कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो ऑयल खाना पसंद करते हैं तो हमें तो ऑयल लगता है और खाने में हमारे थोड़ा तो ऑयल होना ही चाहिए। बिल्कुल ऑयल निकालना खाने से ये भी हमारे सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है, तो थोड़ा तो ऑयल हमारे रोज के खाने में होना चाहिए। तो चलिए ये जो मैंने ऑयल निकाला है अब मैं इसे ऐड कर देती हूँ इसमें। देखिए अब मैं गैस की फ्लेम को बंद कर देती हूँ। देखिए ये हो गई है हमारी सब्जी, अब हम इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं पूरी तरह से। देखिए अभी ये ऑयल पूरी तरह से अभी थोड़ी देर में ऊपर आ जाएगा और ये हमारी सब्जी देखिए अच्छी लग रही है। तो आप इस तरह से ये सब्जी जरूर बना के देखिए। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो बहुत ही जल्द मिलते हैं एक और ऐसी वीडियो लेकर। आप हमेशा खुश रहिए, हेल्दी रहिए।